हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे 2020 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि न्यूज़ में रहे उन सब के बारे में, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जैसे पीसीएस वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये पार्ट थर्ड है, इसके जो बाकी सेगमेंट्स हैं उनका लिंक या तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तीन कंट्रीज दी गई हैं जैसे चाइना, साउथ कोरिया और रशिया। यहाँ पे पूछा गया कि इन तीनों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री या कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ में बॉर्डर करती हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें नॉर्थ कोरिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का रीजन है ये नॉर्थ कोरिया का रीजन है। यहाँ पे चाइना के साथ में जो अमोंग रिवर है उसकी वजह से चाइना के साथ में इसकी द्वारा बाउंड्री शेयर की जाती है। और यहाँ वाले रीजन में, यहाँ पे बेसिकली एक रिवर है जिसका नाम है तू मेन रिवर, तो उसकी वजह से रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बाउंड्री शेयर की जाती है। और नॉर्थ कोरिया के जस्ट नीचे है यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको कि साउथ कोरिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा एक डीमिलिट्राइज जोन है जिसको DMZ भी बोलते हैं, उसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के द्वारा बॉर्डर शेयर किया जाता है। अब नॉर्थ कोरिया के राइट साइड में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रीजन है इसको सी ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक कोरियन बे है और उसके जस्ट नीचे येलो सी लोकेटेड है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो चाइना जो है उसके द्वारा तो नॉर्थ कोरिया के साथ में बाउंड्री शेयर की जाती है, उसके अलावा साउथ कोरिया और रशिया के द्वारा भी की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे कई रीजन्स दिए गए जैसे ओरोमिया, बुगेनविल, जुबालैंड, तो और इनके रेस्पेक्टिव यहाँ पे कंट्रीज भी दी गई हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है और कौन सा करेक्टली पेयर्ड नहीं है। तो एक एक करके हम डील करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ओरोमिया के बारे में बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है इथोपिया। इथोपिया में टोटल 9 रीजनल स्टेट्स हैं, उनमें से ही एक स्टेट है जिसका नाम है ओरोमिया रीजन। तो यहाँ पे जो ये नाइजीरिया दिया गया है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट इसका होना चाहिए था इथोपिया। उसके अलावा जैसे बोगेनविल आइलैंड जो है, जो कि मेन आइलैंड है, ठीक है, एक ऑटोनोमस रीजन है बोगेनविल का, जो कि पापुआ न्यू गिनी में लोकेटेड है, जिसको कि बोगेनविल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जो बोगेनविल आइलैंड या फिर जो बोगेनविल का जो ऑटोनोमस रीजन है जिसको बोगेनविल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है, वो पापुआ न्यू गिनी में लोकेटेड है। तो सेकेंड जो है हमारे यहाँ पे करेक्टली पेयर्ड हो जाएगा। उसके अलावा जो जुबालैंड है, जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक और कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया, तो उसका ही एक ऑटोनॉमस रीजन है जिसको जुबालैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए करेक्टली सोमालिया। तो यहाँ पे बस एक सेकेंड सही है, उसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम के बारे में, जो कि 2020 के मार्च अप्रैल मंथ में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पे पूछा गया कि ये जो डैम है इसको किस नदी पे, वाइट नील रिवर, ब्लू नील रिवर, कॉन्गो रिवर, नाइजीर रिवर, इनमें से किस रिवर पर इसको बनाया जाएगा। तो अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रीजन है, जिसमें ऊपर यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट के जस्ट नीचे सूडान है, सूडान के जस्ट नीचे है साउथ सूडान, और उसके राइट साइड में यहाँ पे है इथोपिया, जिसके जस्ट ऊपर में है इरीट्रिया। और यहीं पर जो ये रेड कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं आप, यहीं पर ये डैम है जिसका नाम है ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम, जिसको कि पहले मिलेनियम डैम के नाम से जाना जाता था। इसको बेसिकली जो ब्लू नील रिवर है, जैसे कि ये वाली जो रिवर है इसका नाम है ब्लू नील रिवर, इस पे इसका कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हो गया था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये इस अफ्रीका का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे लार्जेस्ट पावर प्लांट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, ब्लू नील रिवर पे इस डैम को बनाया जा रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कुंडूज और गजनी जो जगह हैं, जो कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इनके बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से किस कंट्री में ये लोकेटेड है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैप है यहाँ पे पाकिस्तान है, इसके ऊपर में तजाकिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, इधर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये है अफगानिस्तान का रीजन, जिसमें कि आप लोग जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जगह है इसका नाम है कुंदुज, और यहाँ पे दूसरी जो जगह है जिसका नाम है गजनी, जो कि काबुल से जस्ट नीचे ही आपको यहाँ पे देखने को
मिल रही है। तो ये बेसिकली अफगानिस्तान की जगह का नाम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे मरावा आइलैंड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल्स जो डिस्कवर की गई किसी नियोलिथिक साइट पे, वो मरावा आइलैंड पे लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये बोला गया कि जो मरावा आइलैंड है जो कि एक लो लाइंग आइलैंड है, वो बेसिकली अबू धाबी के वेस्टर्न रीजन की जो कोस्ट है उसके ऑफ साइड में लोकेटेड है, मतलब यूएई के जस्ट साइड में। अगर हम इसको ज्योग्राफी के लिए देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कतर है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पे ओमान है, और ये वाला जो डार्क रीजन है ये है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके जस्ट ऊपर यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा है मरावा आइलैंड जो, और यहाँ पे अबू धाबी की जिसके बारे में सेकेंड स्टेटमेंट में बात की जा रही थी वो यहाँ पे लोकेटेड है। अबू धाबी से 15 किलोमीटर नॉर्थ की डिस्टेंस पे ही एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है खोर अल बहाम, जो कि अबू धाबी के कोस्ट लाइन में ही लोकेटेड है, वहीं के पास में है मरावा आइलैंड। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नोन नेचुरल पर्ल्स हैं उनकी एक नियोलिथिक साइट भी रिसेंटली डिस्कवर की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अगर हम वो देखें तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन जो है उसके बारे में पूछा गया है, जो इंडस रिवर बेसिन जो है वो किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश में से किन किन कंट्रीज के रीजन में ये फैला हुआ है। तो इसको हम ज्योग्राफी के लिए अगर देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये है इंडस रिवर बेसिन का सिस्टम, या फिर इंडस रिवर बेसिन का जो रीजन है जो कि मेनली चार कंट्रीज में जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान में लोकेटेड है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इसका 40% जो रीजन है वो लोकेटेड है पाकिस्तान में, उसके अलावा 39% इंडिया में, 8% चाइना में, और 6% है अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे कहीं पे भी जो बांग्लादेश है वो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में ही लोकेटेड है, उसके अलावा अफगानिस्तान में भी। अगर यहाँ पे अफगानिस्तान होता तो चार ऑप्शंस हो जाते, बट यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं, बांग्लादेश है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे चार कंट्रीज दी गई हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, इनमें से कौन सी कंट्री या कौन कौन सी कंट्रीज इसराइल के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो बेसिकली अगर हम इसराइल को ज्योग्राफिकली मैप पर देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है, उसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे येलो कलर का जो रीजन आप लोग देख रहे हैं ये है इसराइल कंट्री। अब यहाँ इसकी कई सारी कंट्रीज जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि ऊपर में यहाँ पे लेबनान है, उसके अलावा यहाँ पे सीरिया है, ये जॉर्डन है, और यहाँ पे ये वाली जो कंट्री है ये है इजिप्ट, उसके अलावा जैसे इराक जो है वो इसके साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस पे हम आते हैं तो सऊदी अरेबिया तो कहीं आसपास में भी नहीं था इसके रीजन्स में, उसके अलावा टर्की भी कहीं आसपास में नहीं था, इजिप्ट था, जॉर्डन था, उसके अलावा लेबनान भी था और सीरिया भी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर इनकरेक्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चार कंट्रीज दी गई हैं, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रसिया, इनमें से कौन सी कंट्री या कौन कौन सी कंट्री बाल्टिक सी के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। अब बाल्टिक सी के अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये बाल्टिक सी है, ठीक है, तो इसमें कई सारी कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे बॉर्डर शेयर किया जाता है, जैसे कि डेनमार्क के द्वारा, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी के द्वारा, फिर पोलैंड, लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा, इन सारी कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे बाल्टिक सी में बॉर्डर शेयर किया जाता है, जिसमें कि कहीं पे भी जो नॉर्वे है उसका रीजन नहीं आता है, नॉर्वे के द्वारा कहीं पे भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर नहीं की जाती है। सो यहाँ पे थर्ड को छोड़ के बाकी सब सही है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जिसमें बेसिकली नागोर्नो काराबख के बारे में पूछा गया, जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा ये प्लेस न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो नागोर्नो काराबख का रीजन है उसको किस कंट्री का पार्ट रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर हम इसको ज्योग्राफिकली देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अजरबैजान है, इसकी एक बॉर्डरिंग कंट्री है जिसका नाम है आर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चला था जो
जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, फिर लास्टली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक पीस डील भी साइन हो गई थी। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट का जो इशू था वो बेसिकली नागोर्नो काराबाख के इस रीजन को लेके ही था, जिसको कि आप लोग लाइट कलर में यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो रीजन है जो कि अजरबैजान में लोकेटेड है, इसको इंटरनेशनली अजरबैजान का ही पार्ट रिकॉग्नाइज की जाती है। तो यहाँ पे इसकी कई सारी नेबरिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे रसिया है, इधर यहाँ पे जॉर्जिया है, नीचे यहाँ पे ईरान है, और टर्की जो है वो बेसिकली आर्मेनिया की नेबरिंग कंट्री है। तो यहाँ पे जो नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है उसको अजरबैजान का ही एक पार्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब एन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, जिसमें बेसिकली टिग्रे रीजन के बारे में पूछा गया, जो कि 2020 में ये रीजन भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पे बेसिकली यही पूछा गया जो टिग्रे रीजन है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इथोपिया, सोमालिया, सूडान, नाइजीरिया। तो अगर हम इसको ज्योग्राफिकली मैप देखें तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कई सारी कंट्रीज इसमें आती है, जैसे सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया जो है, तो और इसके अलावा जैसे साउथ सूडान का जो रीजन है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इथोपिया है इसमें ही एक रीजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है इसको टिग्रे रीजन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एक रीजन और है जिसको कि अल कदारिफ रीजन के नाम से जाना जाता है, जो सूडान का एक रीजन है, ये भी 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अगर यहाँ पे हम टिग्रे रीजन की बात करें तो वो बेसिकली इथोपिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो भी प्लेसेस 2020 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उन सब से रिलेटेड के पार्ट थर्ड में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे।